पब्लिक टीवी आपकी आवाज। साइबर क्राइम को रोकने और साइबर क्राइम क्या है, इन सभी की जानकारी के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन पीटीएस मुरादाबाद में किया गया, जिसमें करीब 600 कैडेट्स ने प्रतिभाग किया। नवमी यूपी गर्ल्स बटालियन की ओर से 10 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां भी सभी को दी जा रही है। इस दौरान शिविर के पांचवें दिन वर्तमान समय में साइबर क्राइम क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता साइबर मैन कहे जाने वाले मनीष गोयल रहे, जिन्होंने सभी को साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसी संबंध में सभी को जानकारियां दी गई। शिविर में कैडेट्स ने भी साइबर मैन मनीष गोयल से बड़ी ही उत्सुकता के साथ सवाल जवाब किए और विभिन्न प्रकार की जानकारियां एकत्रित की। इस अवसर पर मनीष गोयल कार्यक्रम में शपथ नहीं मौजूद रहे। आयोजन में यूनिट के सभी पदाधिकारी मेजर राजीव ढल, कैप्टन मीनू मेहरोत्रा, एसएम ताराचंद के साथ और भी लोग मौजूद रहे। आज सबसे पहले तो मेरे लिए सौभाग्य की ये बात है कि जिस स्कूल से मैंने शिक्षा प्राप्त की है, मैंने महाराजा अग्रसेन से 12th पास किया है, वहाँ के मेरे गुरुजी आदरणीय मेजर राजीव ढल जी ने मुझे आमंत्रित किया कि मैं एनसीसी, जो हमारे यहाँ का जो है बहुत विश्वास का प्रतीक होता है, उनको अवेयर करूं साइबर क्राइम के लिए। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत गर्व की बात है कि मुझे आज ये अवसर दिया कि मैं लगभग 600 एनसीसी क्रेडिट्स हैं, यहाँ पे क्रेडिट हैं, उनको मैं अवेयर करूं कि साइबर अपराध से हम कैसे बचें और हम लोग भी कैसे बचें और हमारा पैसा भी कैसे बचे। 9 यूपी गर्ल्स बटालियन की तरफ से जो हमारे कैडेट्स इस कैंप में आए हुए हैं, इस कैंप में जितने भी कैडेट्स हैं उन सबको साइबर क्राइम के जो भी व्यावहारिक समस्याएं हैं उनसे अवगत करवाना और उनके क्या क्या समाधान हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी साइबर क्राइम हैं वो सभी क्राइम इस कारण होते हैं कि हमारे अंदर किसी भी मतलब उन क्राइम के प्रति हम जागरूक ही नहीं हैं और जब क्राइम हो जाता है तो उसके बाद हम पछताते हैं और घर बैठ जाते हैं। आज मनीष गोयल जी के लेक्चर से सबसे ज्यादा ये बात आसान हो गई कि सभी कैडेट्स को ये पता चल गया कि किस कारण क्राइम हो सकता है और उसको कैसे रोका जा सकता है। सबसे ज्यादा जो उन्होंने उपयोगी हमें जितने भी टिप्स दिए हैं वो सारे टिप्स उस क्राइम को रोकने के लिए दिए गए और इन कैडेट्स के माध्यम से इनके परिवार तक ये संदेश जाएगा और परिवार के माध्यम से और आगे तक ये संदेश जाएगा। तो जो हम इतनी बड़ी समस्या से आज के समय में जूझ रहे हैं साइबर क्राइम की समस्या से, उसमें हम कुछ हद तक समाधान हमें मिल जाएगा और हम कुछ हद तक उसे रोक पाएंगे। ये 9 यूपी बटालियन एनसीसी का ये कैंप चल रहा है पीटीएस ग्राउंड में। यहाँ पे कैडेट्स हैं, करीब 600 कैडेट गर्ल्स और बॉयज में आए हुए हैं। उन्हें साइबर क्राइम से होने वाली हानियों से बचाने के लिए ये हमने आज ये गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें मनीष गोयल जी को हमने आमंत्रित किया था कि हमारी युवा पीढ़ी को किस प्रकार से साइबर क्राइम से बचाया जा सकता है, उसके लिए इन्हें आमंत्रित किया गया था। तो आपने जो अपने बताए कि किस प्रकार से हम छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो हम साइबर क्राइम से होने वाली हानियों से अपने आप को बचा सकते हैं, तो ये हम कैडेटों को, ये हमारे मैसेंजर हैं, ये मैसेंजर का रूप काम करेंगे, क्योंकि ये अब समाज में विभिन्न वर्गों के छात्र आए हुए हैं, ये कैडेट आए हुए हैं पूरे रोहिलखंड क्षेत्र से, तो हर जगह जाके अपने बताएंगे, अपने परिवार के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से साइबर क्राइम पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से इस मुहिम के द्वारा हम कैडेटों को भी रोक पाएंगे साइबर क्राइम से होने वाले नुकसान से और उनके परिवार और उनके आसपास के लोगों को भी रोक सकेंगे।